आज सुबह से एक बयान सुनने के लिए मिल रहा है जो कि दो दिन पुराना बयान है, नामपल्ली के जनाब फेरोज खान का। फेरोज खान दो दिन पहले एक बयान दिए जिसके अंदर उन्होंने बंटी संजय के बयान की तायीद करे, बल्कि उन्होंने कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक पुराने शहर पे जो सच्चा हिंदुस्तानी होता है वो कर देना चाहिए, क्योंकि पुराने शहर में 20% ऐसे मुसलमान हैं जो कि पाकिस्तान से अपने दिलों को वाबस्ता रखने वाले मुसलमान पुराने शहर में रहते हैं। ऐसा बयान कांग्रेस के लीडर जनाब फेरोज खान का आया है। अब मैं वाजे तौर पे कह रहा हूं, वो सब कुछ चूतिया चूतिया बोलने वाला फेरोज खान, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को। आप अगर बीजेपी में जाना चाहते हैं तो आप जाइए, आप बीजेपी में जाने का रास्ता बना रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन अगर उस पर आप पूरी कौम मिल्लत का अगर सौदा करने की बात करते हैं, आप अग्यारों को, फिरखा परस्तों को, एक कम्युनल फोर्सेस जो एक जहन बना के बैठी है, मुसलमानों को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए बैठी है, वो फोर्सेस को आप पुराने शहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप पुराने शहर के मुसलमानों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। और कैसे लोगों की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, किन मुसलमानों की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं? ये वही मुसलमान है जो तीन तीन इलेक्शन में आपको तीन तीन बार 50-50 वोटों से नवाजा, यह मुसलमानों की देन थी। आप फौरी तौर पर मुसलमानों से माजरत खाई करिएगा, आप मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिए हैं। पुराने शहर के अंदर सच्चा मुसलमान, सच्चा हिंदुस्तानी रहता है। आपने CA NRC का इतना बड़ा एहतजाज हुआ, आप मिलियन मार्च में कहीं नजर नहीं आए, आप तिरंगा रैली में कहीं नजर नहीं आए, आप CA NRC के खिलाफ एहतजाज होते हुए किसी सड़क पर आप धरना देते हुए नजर नहीं आए। आपको एक बार मैंने मौका दिया था खुली कुतुब शाह के मैदान पर, आपको कुर्सी बिठा के कुर्सी डाल के बिठाने का मौका मैंने दिया था। मैं ये समझ के दिया था कि आप मुसलमानों की एक आवाज बन के उठेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज आप मुसलमानों की आवाज को तोड़ा जा रहा है, उस पर आप उनकी हावी भर रहे हैं। मुसलमानों को जलील और रुसवा किया जा रहा है, उस पर आप हावी भर रहे हैं। मैं पुराने शहर का मुसलमान होने की हैसियत से वाज़े तौर पे कह रहा हूं, मेरे दिल में इस्लाम है और इस्लाम से भी जो है मैं इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं मुसलमान हूं, और मुसलमान की हैसियत से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की, इस हिंदुस्तान के वतन से भी हम उतनी ही मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये बयानात देकर मुसलमानों को अग्यारों के सामने जलील और रुसवा करना, अरे बेखौफ अपनी नजर अपनी थाम के देख, झूमते मीनार की तरह कभी नशे में ठहर कर मीडिया के सामने बयान देता है, तो सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांक, आपके पास कितने गलतियां हैं। आपको मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के वो मुसलमानों क्या फेरोज खान के उस बयान की तायीद करते हैं? मोहम्मद अली शब्बीर, मैं तुमसे सवाल करता हूं, बताओ क्या फेरोज खान ने जो कहा पुराने शहर के मुसलमान पाकिस्तान के दिलों में मोहब्बत रखते हैं, क्या मोहम्मद अली शब्बीर इस बयान पर आप मोहर लगाते हैं? बताओ आमिर जावेद, जफर जावेद, आप लोग वर्किंग प्रेसिडेंट थे, आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ क्या आपके बात कहते हैं, क्या उनके बयान की जो है आप उनके बयान पर मोहर लगाते हैं? ये सोहेल को तो छोड़ दो, वो लीडर कम गुलाम ज्यादा है, उसको छोड़ दो। समीर वलीउल्लाह, मैं तुमसे सवाल करता हूं, बताओ क्या फेरोज खान के इस बयान पर तायद करते हैं? उस्मान अल हाजरी, ईसा मिश्री, अरे कब तक ये कमजोरी की जिंदगी गुजारेंगे कांग्रेस के मुसलमान? उठो, जब हमारे मुसलमान इस्लाम पर आवाज उठी तो हमको अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करना पड़ा। आज मैं फखर से कह रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, मैं उस सियासी जमात में हूं जो मुसलमानों के तहफ्फुज़ के लिए काम करने वाली सियासी जमात में हूं। अरे शर्म से डूब मरो, अरे कांग्रेस के नामर्द मुसलमानों, शर्म से डूब मरो। आज तुम्हारी कौम की तरफ आवाज उठाई जा रही और उसके बावजूद भी तुम अपनी पार्टी की जी हुजूरी, गुलामी, उनकी जूतियां चाटने पर, उनके सामने नमस्ते के हाथ जोड़ के ठहरने पर मजबूर है। अरे हम फखर से कहते हैं, हम पुराने शहर के मुसलमान हैं, हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं।